हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक दो दिन से जो है दो चार बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं बीए ऑनर्स के जो है इंग्लिश के लिए कुछ बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो जैसा कि बीए ऑनर्स का जो टेस्ट है, अब तो शायद एक ही दिन रह गया है, 3 जुलाई का आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है। तो टाइम की कमी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा कुछ फ़िलहाल तो नहीं कर पाया, लेकिन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली जो डिफरेंट जो अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स हैं, जस्ट लाइक इवन आईएएस वगैरह में भी, और ये तो है ही, बीकॉम, बीएलएलबी, बीएससी, बीए ऑनर्स, इनके भी जो है प्रीवियस एंट्रेंस पेपर्स में जो है ये क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस को मैंने जो है जो आने के जिनके चांसेस हैं उनको मैंने एक्यूमुलेट करके एक वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको वन बाई वन डिस्कस करूँगा, और ठीक है, वैसे तो यहाँ 70 वर्ड हैं, लेकिन 70 को अगर देखा जाए तो इसमें आपको कई सारे वर्ड मिल रहे हैं। 70 नहीं है, 70 को 4 से, क्योंकि इसमें ऑप्शंस भी हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अच्छे खासे ये वर्ड्स हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इन वर्ड्स को डिस्कस करूँगा जो कि रिपीटेडली आते हैं, ठीक है। पूरा सारे वर्ड्स को डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है, और लेकिन बाद में इस साल तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन नेक्स्ट ईयर से जो कि आपके आप लोग तो इस बार हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपके जो जूनियर्स होंगे नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर के लिए, उन लोगों के लिए जो है एक अच्छा सा कंटेंट में जो है सभी विषय में जो है मैं ज़रूर तैयार करूँगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 टू 35 तक जो है आपके सिनोनिम्स रहेंगे, उसके बाद एंटोनिम्स रहेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिमोट। रिमोट बेसिकली जो है दूर दराज के लिए इस्तेमाल वर्ड को यूज़ किया जाता है। एक मिनट पेन ले लेता हूँ। तो इसका सिनोनिम, क्योंकि यहाँ पे सिनोनिम्स की बात कर रही है, ठीक है, तो सिनोनिम इस रिमोट का जो है डिस्टेंट होगा, ठीक है। और सेकंड है आपका डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है स्ट्रांगली, मतलब किसी चीज़ को नापसंद करना, ठीक है। तो ये इसका आंसर है बी, ठीक है। तीसरा है ग्रेशियस। ग्रेशियस मतलब होता है प्लीसेंट। ग्रेशियस का मतलब होता है प्लीसेंट। प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट मतलब पहले से ही पता कर लेना, किसी चीज़ को आंक लेना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है फोरटेल। फोरटेल का मतलब ये होता है पहले से ही बता देना किसी चीज़ को। उसके बाद किन, किन मतलब होता है रिलेटिव्स। किन का मतलब होता है रिलेटिव्स, ठीक है। पेंसिव, पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल। पेंसिव मतलब थॉटफुल। बैनिश, बैनिश का मतलब होता है निकाल देना, या तो घर से या फिर कंट्री वगैरह से। एक्साइल, तो एक्स का मतलब होता है एक्साइल, ठीक है। फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब होता है इम्पोस्टर। फ्रॉड आप सभी जानते हैं, लेकिन फ्रॉड का मतलब जो इसका सिनोनिम्स है वो इम्पोस्टर है। नेक्स्ट है सेचारीन, ठीक है। इसको सेचरीन भी बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। इसका मतलब होता है स्वीट से रिलेटेड, ठीक है, चीनी से रिलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी रहेगा। उसके बाद है आपका ड्रैग। ड्रैग मतलब खींचना, तो बेसिकली इसका आंसर होगा पुल। और उसके बाद जोवियल। जोवियल मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा जो है गुड हम्बर्ड वगैरह होता है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे इसका मेरी है। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मीन्स न्यूट्रल। इनडिफरेंट मीन्स न्यूट्रल। नेक्स्ट सिमुलेट। सिमुलेट का सिनोनिम है इमिटेट। सिमुलेट बेसिकली अनुकरण करना होता है, या कॉपी, या माइम भी इसका एक वर्ड होता है। यहाँ पे इसका इन चार में करेक्ट आंसर इसका इमिटेट है। कैरिज्मा, कैरिज्मा बेसिकली चार्म को कहते हैं। इसको कैरिज्मे का जो मतलब है वो प्रतिभा है, यानी टैलेंट से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपोर्शन। अपोर्शन मीन्स डिवाइड। नेक्स्ट जेनरिक। जेनरिक मीन्स होता है जनरल, यानी कॉमन। उसके बाद क्वाम, इसे क्वाल्म भी पढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्क्रपल। नेक्स्ट वेरी। वेरी का मतलब होता है कॉशियस। वेरी का मतलब होता है कॉशियस, यानी अटेंटिव। नेक्स्ट है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होगा? डिफॉर्म। समटुअस, समटुअस का मतलब होता है लग्जूरियस। समटुअस का मतलब होता है लग्जूरियस, यानी बहुत ज़्यादा जो है अमीर, रेलिश, जिसकी जो होती है ना, अच्छी खासी, अच्छा खासा पैसा हो, वेल्थ हो, तो उसको बोलते हैं समटुअस, लग्जूरियस। नेक्स्ट है रील। रील, रील का मतलब है राउंड से रिलेटेड होता है, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होता है वर्ल। नेक्स्ट है इनक्रस्टेबल। इनक्रस्टेबल का मतलब हो गया यहाँ पे मिस्टीरियस, डाउटफुल। उसके बाद एपाल। एपाल का मतलब है यहाँ पे डिस में,
ठीक है। नेक्स्ट है अपराइट। अपराइट मीन्स ऑनरेबल। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर अपराइट है, ऑनरेबल है। नेक्स्ट रेवरी। रेवरी मीन्स डे ड्रीम। करेक्ट आंसर इसका डे ड्रीम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास के जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं बनाऊँ इसको, ठीक है। तो जल्द से जल्द जो है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है। इनको एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। लूट। लूट मतलब स्पॉइल। उसके बाद लोकेशियस। लोकेशियस 27, इसका मतलब होता बहुत ज़्यादा बातूनी, टॉकेटिव। उसके बाद काइमेरा, इसको पढ़ते हैं काइमेरा, तो बेसिकली इसको कहते हैं इल्यूजन, धोखा। उसके बाद टेमरिटी। टेमरिटी मतलब काफ़ी हिम्मत वाला, ओडेसी इसका करेक्ट आंसर होगा, ओडासिटी, ठीक है। नेक्स्ट है एड्यूस। एड्यूस एड्यूस मतलब होता है कि प्रकाश में होता है, टू डेवलप समथिंग पोटेंशियल और लेटेस्ट समथिंग। तो ये बेसिकली इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे एलिसिट होगा, यानी प्रकाश में लाना। यानी एड्यूस का मतलब जैसे आप कोई चीज़ डेवलप कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो मतलब आप सबके सामने हाईलाइट कर रहे हो, ठीक है। तो एलिसिट का मतलब होता है इसका सिनोनिम है, क्योंकि यहाँ पे सिनोनिम की बात हो रही है, हाईलाइट करना, ठीक है, यानी प्रकाश में लेके आना। एड्यूस मतलब आप जब कोई चीज़ डेवलप करते हैं दैट मीन्स वो सबके सामने निकल कर आती है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट है 31, नेबॉब। नेबॉब का मतलब होता है बिग विग, यानी कोई ऐसा इंसान जिसके पास जो है जिसके खुद की कोई इंपॉर्टेंस हो और अच्छा खासा जो है उसके पास वेल्थ हो, तो इसका करेक्ट आंसर है बिग विग। अब पाल। पाल इसे पैल भी बोलते हैं। पैल बेसिकली इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 38 है, ठीक है, 38, ठीक है, इसे 38 भी पढ़िए जैसा भी आप जो प्रोनाउंसिएट करते हो। उसके बाद सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट का मतलब होता है सैक्रेड, यानी होली, होली, ठीक है। उसके बाद है आपका लाउश। लाउश मीन्स रेप्यूटेबल, ठीक है, लाउश मीन्स रेप्यूटेबल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे इंडिसेंट। उसके बाद सेंटोरियन। सेंटोरियन बेसिकली होता है बहुत ज़्यादा लाउड, लाउड, ठीक है। तो ये तो सिनोनिम्स कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की। विड्रॉ। विड्रॉ मतलब आपने पहले से निकाल लिया, तो विड्रॉ का जस्ट अपोजिट क्या होगा, यानी उल्टा, वो होगा एडवांस। उसके बाद है सीक्रेट। सीक्रेट मतलब कोई चीज़ हिडन हो, ठीक है, तो इसका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओवर्ट। सीक्रेट का मतलब होता है कोई चीज़ हिडन हो, तो उसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे एंटोनिम्स की बात हो रही है, ओवर्ट। हर्टफुल। हर्टफुल मतलब जो होता है आपका एक्सप्रेसिंग जेन्युइन फीलिंग, ठीक है, और सिंसियरनेस वगैरह शो करते हैं, तो इसका यहाँ पे होगा इनसिंसियर, यहाँ होगा इसका आंसर इनसिंसियर। फिर है इम्पार्शियल। अब पार्शियल और इम्पार्शियल, ये तो आप में से ज़्यादातर जो लोग हैं पकड़ लेंगे इसको, यहाँ बाइज्ड होगा, ठीक है। उसका ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब जो लाइट से रिलेटेड होता है, ठीक है, जो कि लाइट से रिलेटेड होता है, लाइट देने वाला यानी रोशनी करने वाला, तो जस्ट उसका उल्टा होगा डिम। उसके बाद ओए। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है कंटेंट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है सेंस ऑफ डीप रेस्पेक्ट, और कंटेंट का क्या होता है, किसी चीज़ की रेस्पेक्ट नहीं करना, उल्लंघना करना, ठीक है। पिट। पिट मतलब होता है कोई गड्ढा टाइप, ठीक, तो इसका क्या होगा, जस्ट उल्टा पीक। उसके बाद रोटूंड। अब इसे रोटूंड का मतलब होता है गोलाकार, यानी राउंड सी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब तो गोल से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन इसका यहाँ पे करेक्ट, क्योंकि एंटोनिम पूछा है, तो यहाँ होगा थिंग, ठीक है। अनइम्पॉर्टेंट मतलब जो होता है रोटाउन मतलब गोल, अनइम्पॉर्टेंट से यहाँ मतलब है नहीं, डल से भी यहाँ मतलब नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे थिन है। टैलेंट। टैलेंट टैलेंट आप सभी जानते हैं, किसी के अंदर कोई प्रतिभा हो, तो इसका करेक्ट आंसर एंटोनिम है, तो इनएबिलिटी। अ कॉमन। कॉमन मतलब बहुत ज़्यादा जो नॉर्मल होता है, तो यहाँ पे होगा स्ट्रेंज। नेक्स्ट है आपका ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है आपका डेफिएंट, यानी कि बहुत ज़्यादा जो होता है बोलने वाला, या बहुत ज़्यादा एक्टिव उस सेंस में ले सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है वो आपका है बैशफुल। बैशफुल का मतलब होता है शाई, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट आप सभी जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्पेयर,
एक्सपेक्ट करना कहते हैं उम्मीद करना, और डेस्पर होता है मतलब सारी उम्मीदें खो देना। उसके बाद है मेलोडोरस, मेलोडोरस का मतलब होता है गंदी स्मेल वगैरह। नेक्स्ट, मेलोडोरस मीन्स गंदी स्मेल होना, मेलोडोरस का मतलब गंदी स्मेल होना, तो यहाँ से खुशबू होगा फ्रेगनेंट। नेक्स्ट है आपका एक्सपाउंड, एक्सपाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, और अब जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे दैट मीन्स आपके पास अच्छी खासी उसके बाद नॉलेज हो, ठीक है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है, एंटोनिम की बात कर रहा है तो कन्फ्यूज़। उसके बाद पीक, उसके बाद है पीक, पीक का है आपका करेक्ट आंसर सूद, पीक का आंसर है सूद, यानी मतलब होता है इसका मतलब इरिटेट से रिलेटेड है, पीक का मतलब इरिटेट से रिलेटेड है, ठीक है। और सूद का मतलब काम से मतलब है, काम मतलब जैसे कहते हैं शांत वगैरह। 51 है अबेट, अबेट मीन्स किसी चीज़ को जो है रिड्यूस कर देना, और ऑग्यूमेंट का मतलब होता है बढ़ा देना। डर्थ, डर्थ मीन्स डर्थ का मतलब होता है, नेक्स्ट 52 है डर्थ मतलब इन एडुकेट, यानी आपके पास वो चीज़ भरपूर मात्रा में यानी नहीं होना, तो उसका जस्ट उल्टा होगा अबेंडेंस। फिर है आपका पीक, पीक का मतलब होता है पेल, ठीक है, यानी जिससे तबीयत मतलब एक होता है ना अनहेल्दी टाइप, पीक का मतलब अनहेल्दी, तो यहाँ पे इसका होगा हेल्दी, और हेल्दी का जो वर्ड है वो है रेडी। एवरेज 54 है एवरेज, एवरेज मतलब होता है किसी चीज़ को जो है शॉर्ट शॉर्ट कर देना, तो यहाँ पे एंटोनिम की बात हो रही है, एवरेज का मतलब शॉर्टन है लेकिन इसका उल्टी बात हो रही है, तो ये है आपका एक्सटेंड कर देना, ठीक है। और किंडल, किंडल बेसिकली होता है इसको बोलते हैं स्मोदर, किंडल का है स्मोदर, ठीक है। उसके बाद है मीगर, मीगर मतलब होता है लैकिंग यानी कमी होना, और कोपियस का मतलब होता है अच्छा खासा हो जाना, ठीक है, तो यहाँ पे इसका होगा कोपियस। फिर इसका आपके पास फिलिस्टीन, फिलिस्टीन बेसिकली यहाँ पे होगा मतलब जो कि शिक्षा से रिलेटेड है यानी, ठीक है, तो यहाँ पे फिलिस्टीन का मतलब जो होगा कि फिलिस्टीन का कोई ऐसा इंसान जो कि अनक्रिएटिव हो, तो फिलिस्टीन मतलब जो कि अनक्रिएटिव हो, तो इसका जो होगा इंटेलेक्चुअल होगा जो कि क्रिएटिव हो। अब जेनिथ, जेनिथ का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, जेनिथ का मतलब हाईएस्ट पॉइंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नैदर यानी लोएस्ट पॉइंट। उसके बाद जर्मेन, जर्मेन का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट, तो ये होगा आपका इररेलीवेंट, इररेलीवेंट। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इरेसिबल, इरेसिबल का मतलब होता है आपका एंगर्ड यानी ईजिली एंगर्ड यानी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, और उसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब होता है कामनेस। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अप्रोबेट, अप्रोबेट का मतलब होता है किसी चीज़ को मंजूरी दे देना, ठीक है, तो यहाँ पे होगा कंडेम यानी मीन्स उसको डिक्लेयर करना, गलत डिक्लेयर कर देना, ठीक है, रॉन्ग कह देना, तो कंडेम होगा। उसके बाद सुपर, सुपरस्टिशियस यानी कि घमंडी, घमंडी टाइप का होता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा मीक, मीक, मीक का मतलब होता है नम्र वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट है इम्प्रोविडेंट मीन्स लैकिंग, ठीक है, और केयरलेस, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है आपका कॉशियस, ठीक है। उसके बाद है डैमर मीन्स टू डिले यानी किसी चीज़ को डिले कर देना, ठीक है, डिले से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा एम्ब्रेस यानी जल्दबाजी करना, जल्दी जल्दी करना किसी चीज़ को, रेडिली करना, ठीक है। उसके बाद है फैटवस, फैटवस मतलब फुलिश यानी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अकल वगैरह नहीं हो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सेंसिबल। फिर है आपका क्विसेंट, इसका मतलब है बेसिकली मौन, इसका मतलब होता है मौन यानी शांत वगैरह, लेकिन इसका उल्टा है, तो उल्टा जब पूछा है तो वो होगा एक्टिव। नेक्स्ट है आपका सार्टोरियल, सार्टोरियल मतलब जो होता है दर्जी से रिलेटेड होता है, तो कोई यानी दर्जी से रिलेटेड यानी बाहर जाके कोई चीज़ सिलवाना वगैरह, तो इसका उल्टा पूछा है तो वो होगा होमस्पन यानी घर में ही कोई चीज़ सिलना। उसके बाद है सेपियंट, सेपियंट का मतलब है आपका बुद्धिमान वगैरह, विजडम वगैरह, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिंपल। फिर है आपका 69 मैट्यूटिनल, इसका करेक्ट आंसर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है यानी सुबह से रिलेटेड यानी रिलेटेड टू द मॉर्निंग, और इसका करेक्ट आंसर होगा क्रेपस्कुलर यानी शाम से रिलेटेड यानी ट्यूलाइट वगैरह, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 70 इम्प्रिक्यूनियस, ठीक है,
इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका मतलब है आपका यानी बहुत ही कम, या तो कम या फिर बिल्कुल भी नहीं, यानी पैसा बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उल्टा है, यानी बहुत ज़्यादा वेल्दी होने, यानी अच्छा खासा पैसा वगैरह होना, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।